नमस्कार, मैं हूँ स्वराज श्रीवास्तव और इंडिया की बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन टिकटॉक, जिसे कुछ लोग म्यूजिकली के भी नाम से जानते थे, उसे गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया है। साथ ही एप्पल के ऐप स्टोर से भी इसे हटा दिया गया है। इसके बाद से ही लोग ये कहने लगे हैं कि टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है? आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ, ताकि आप अफवाह नहीं सच जाने। आज सुबह से ही ट्विटर पर हैशटैग टिकटॉक बैन ट्रेंड करने लगा। लोग अपने उन दोस्तों के मजे लेने लगे जो कि टिकटॉक को बहुत पसंद करते थे, उनसे ये कहने लगे कि अब तुम्हारा क्या होगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज बहुत ही पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि टिकटॉक इंडिया में बैन नहीं हुआ है। इसे सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से ही हटाया गया है और एप्पल के ऐप स्टोर से ही हटाया गया है। ये बैन फिलहाल नहीं हुआ है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये आपको बताना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पूरा मामला समझना पड़ेगा। मद्रास हाई कोर्ट में एक पिटीशन पड़ी थी, जिसमें यह कहा गया था कि टिकटॉक पर कई ऐसे कंटेंट अवेलेबल हैं जो कि पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देते हैं और इससे बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। इसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की और मद्रास हाई कोर्ट ने भी ये माना कि हाँ, टिकटॉक पर कई ऐसे कंटेंट अवेलेबल हैं जो कि पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देते हैं, बच्चों को यौन हिंसक बना रहे हैं, और उस पर कई ऐसे कंटेंट भी अवेलेबल हैं जो कि आपके लिए करने जानलेवा हो सकते हैं, इससे आपको नुकसान पहुंच सकता है। ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने माना और उसने टिकटॉक पर बैन लगाने को कह दिया। इसके बाद जो टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, उसने मद्रास हाई कोर्ट से ये कहा कि आप अपने फैसले को वापस ले लीजिए, क्योंकि टिकटॉक पर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी इस रिक्वेस्ट को भी अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, कहा कि बैन हट नहीं सकता है, बैन तो लगा रहेगा। फिर बाइट डांस ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के मद्रास हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये कह दिया था कि आप एप्पल और गूगल को ये कहिए कि वो अपने प्लेटफॉर्म से टिकटॉक एप्लीकेशन को हटा दें, तो केंद्र सरकार ने गूगल और एप्पल को चिट्ठी लिख दी थी कि आप उस एप्लीकेशन को अपने प्लेटफॉर्म से हटा दीजिए। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगाने से मना कर दिया था, इसलिए गूगल ने अपने प्लेटफॉर्म से, प्ले स्टोर से टिकटॉक एप्लीकेशन को हटा दिया, और उसके बाद एप्पल ने भी अपने ऐप स्टोर से टिकटॉक को हटा दिया। सिर्फ ये इतना सा मामला है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि टिकटॉक इंडिया में बैन हो चुका है, उनके पास या तो गलत इन्फॉर्मेशन है या फिर वो ऐसी बचकानी हरकतें ऑलरेडी करते रहते हैं। टिकटॉक बैन नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ उसे गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर से हटाया गया है। आप अभी भी इस एप्लीकेशन को थर्ड पार्टी सर्विसेज के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। मी ऐप स्टोर जो है वहां पे भी अवेलेबल है, और किसी भी थर्ड पार्टी अगर आप सर्विस पे जाएंगे, थर्ड पार्टी सोर्सेज पे जाएंगे, तो वहां से जाकर के आप टिकटॉक को अभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसे यूज कर सकते हैं बिल्कुल पहले की तरह ही। अभी भी उसे लोग यूज कर रहे हैं, और साथ ही अगर आप चाहें तो अपने किसी भी दोस्त से शेयर इट के जरिए या फिर मी ड्रॉप के जरिए आप उसे शेयर कर सकते हैं, और वहां से भी आप टिकटॉक को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। तो बैन का मतलब यह होता है कि आप उसे यूज भी ना कर पाए, डाउनलोड भी ना कर पाए, उसे बैन कहते हैं। जैसे कि ब्लू व्हेल जो गेम था, उस पर बैन लगा था तो उसे कोई खेल नहीं पा रहा था, बिल्कुल उस तरीके का जो बैन होता है उसे असल में बैन कहते हैं। लेकिन सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से हटा देना किसी चीज को, उसको बैन नहीं कहा जाएगा। हाँ, हालांकि आप इसे बैन करने का एक प्रोसेस कह सकते हैं कि टिकटॉक को बैन करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन ये पूरी तरीके से बैन नहीं है, क्योंकि अभी भी टिकटॉक को यूज किया जा सकता है, लोग अभी भी उसे वैसे ही यूज कर रहे हैं। अब क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था, इसलिए गूगल को और एप्पल को अपने प्लेटफॉर्म से टिकटॉक को हटाना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होनी बाकी है, इसलिए इसके आगे इस पर अब कोई और स्टेप नहीं लिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मान जाता है कि टिकटॉक को बैन ही करना है, तो आगे इसमें स्टेप्स लिए जा सकते हैं। आईपीस को ब्लॉक किया जा सकता है कि कोई भी टिकटॉक को यूज ना कर पाए। वो टेलीकॉम ऑपरेटर्स से कॉन्टैक्ट करेंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उनसे कहेगी कि टिकटॉक की जितने भी आईपीस पे जाते हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए, ताकि आईपीस के थ्रू कोई भी टिकटॉक को यूज ना कर सके। हाँ, इस पर भी कई ऐसे लूप होल्स है, जैसे कि आप वीपीएन यूज करके अपने आईपी को बाईपास कर सकते हैं, फिर भी आप टिकटॉक को यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर लोगों को पता होता नहीं है। इस वजह से आप उस समय कह सकते हैं कि टिकटॉक बैन हो चुका है इंडिया में, जब उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाया। लेकिन फिलहाल इसे सिर्फ और सिर्फ दो जगहों से, गूगल के प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर से ही डाउनलोड नहीं किया जा सकता है, बाकी सभी जगहों से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, इसे यूज कर सकते हैं। तो बैन होने का अभी फिलहाल कोई चांस नहीं है। और आपको बता दूं कि टिकटॉक के इंडिया में 12 करोड़ से ज्यादा मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, तो
तो सोचिए कि टिकटॉक के लिए इंडिया कितना बड़ा मार्केट है। सिर्फ टिकटॉक के लिए ही नहीं बल्कि ऐसी किसी भी कंपनी के लिए इंडिया कितना बड़ा मार्केट है, और कोई भी कंपनी ये कभी नहीं चाहेगी कि उसका जो भी बिजनेस है वो इंडिया से हट जाए। तो जाहिर है कि टिकटॉक इसको लेकर के कई एक्शन अब करने वाला है। वो अपने यूजर्स के ऊपर वो प्राइवेसी गाइडलाइंस में चेंज करेगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस में चेंज करेगा, लोगों को जो प्राइवेसी वायलेशन है उस पर लोगों को बैन करेगा, या जो भी स्टेप टिकटॉक चाहे वो उठाने की कोशिश करेगा ताकि इंडिया से उसका मार्केट खत्म ना हो। और वो हाई कोर्ट में भी इस बात को रखेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को रखेगा, ये डिपेंड कोर्ट पर करता है कि वो इस पर क्या फैसला सुनाता है और उन्हें इस पर कोई फर्क पड़ता है या फिर नहीं। लेकिन फिलहाल जो सच्चाई है वो ये है कि टिकटॉक इंडिया में बैन नहीं हुआ है, इसे सिर्फ और सिर्फ गूगल प्ले स्टोर से और एप्पल के ऐप स्टोर से हटाया गया है। आप इसे डाउनलोड करके यूज करना चाहें तो कर सकते हैं, बैन उसे कहते हैं जब आप इसे यूज भी ना कर पाए, तो वो बैन नहीं हुआ है। इसलिए अफवाहों से बचिए और सच्चाई जानिए। और अब मैं आपको इस पूरे मामले पर अपना ओपिनियन देता हूं कि क्या टिकटॉक को बैन करना सही है या फिर नहीं। देखिए, फिलहाल जो मद्रास हाईकोर्ट का फैसला है उससे मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूं, क्योंकि आपने सिर्फ टिकटॉक को बैन किया ये कह करके कि इससे पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा मिलता है, बच्चों पर बुरा असर पड़ रहा है। लेकिन क्या एक बार आप सोच कर देखिए कि क्या सिर्फ टिकटॉक ही एक ऐसी इकलौती एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर जिससे पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा मिल रहा है? आपने क्या लाइक एप्लीकेशन के बारे में नहीं सुना? लाइक एप्लीकेशन को आपने देखा होगा, कभी आप उसे ओपन करके देखिएगा, वहां पर टिकटॉक से ज्यादा ऐसे कंटेंट भरे पड़े हैं। और वो भी छोड़िए, अगर आपने लाइक एप्लीकेशन के जो यूट्यूब पे एड्स चलते हैं अगर आपने वो देखे होंगे, तो आपको वहां भी दिख जाएगा कि वो कितना इनएप्रोप्रिएट कंटेंट होता है। उसके बावजूद लाइक पर कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया गया। हो सकता है इसके पीछे कोई और रीजन रहा हो, लेकिन लाइक एप्लीकेशन है, वीगो है, फोर फन है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो कि इस तरह के कंटेंट अवेलेबल कराती हैं, उन पर इससे ज्यादा यानी टिकटॉक से ज्यादा उस पर ऐसे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बैन नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक को बैन किया गया। तो ये मुझे समझ में नहीं है। अगर आपको बैन करना ही है तो आपको उन सारी एप्लीकेशन को बैन कर देना चाहिए जहां पर ऐसे कंटेंट अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ टिकटॉक को बैन किया क्योंकि टिकटॉक इन बाकी सारी एप्लीकेशन से ज्यादा पॉपुलर है। तो ये मुझे लगता है कि एक तरफा फैसला हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई बाकी है, तो देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के क्या फैसला होता है। और जाहिर है कि कुछ लोग ऐसे सामने आएंगे जो कि इस बात की भी मांग करेंगे कि अगर टिकटॉक को बैन किया जा रहा है तो इन बाकी एप्लीकेशन को भी बैन किया जाए। तो ये वो पूरा मामला था जिसके बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दिया। आपको समझ में आ गया होगा कि टिकटॉक बैन हुआ है या फिर नहीं। अब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि आपका क्या सोचता है टिकटॉक बैन को लेकर के, आपको क्या लगता है कि टिकटॉक बैन होना चाहिए या फिर नहीं, और अगर टिकटॉक बैन होता है तो क्या बाकी उन सारी एप्लीकेशन को भी बैन होना चाहिए, जैसे लाइक हो गई या फिर वीगो हो गई, उन्हें बैन होना चाहिए या फिर नहीं, जहां पर ऐसे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं जो कि इनएप्रोप्रिएट होते हैं, जो कि पॉर्नोग्राफी को बढ़ावा देते हैं। तो ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहां पर मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज लेकर के आता रहता हूं। तो फिलहाल इतना ही, लव यू, टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद।